हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना किस बात का संकेत है, यानी प्रेगनेंसी में अगर आपको उल्टी हो रही है तो ये किस बात का संकेत है। प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि कई लेडीज़ को उल्टी होती है और किसी को नहीं होती है, तो ये सब भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और इंटरेस्टिंग लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी भूलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना बहुत नॉर्मल बात है, बहुत सारी लेडीज़ को होती है, बहुत सारी लेडीज़ को नहीं होती। प्रेगनेंसी में 100% लेडीज़ में से 80% लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग होती है, सिर्फ 20% महिलाएँ जो हैं उनको वॉमिटिंग नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबकी बॉडी टाइप जो होती है वो अलग अलग होती है और सबके प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम दिख रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो आपकी सिस्टर या फिर आपकी मदर या फिर आपके आसपास या फिर आपके रिलेटिव में सबके प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपकी तरह हो, क्योंकि सबके प्रेगनेंसी सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी में वॉमिटिंग होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत सारी लेडीज़ को सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है एंड सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में उनको वॉमिटिंग नहीं होती है, किसी किसी को पूरे 9 महीने तक वॉमिटिंग होती है। तो ये सब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि उसको वॉमिटिंग होगी या नहीं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अपनी, तो मुझे एक बेबी बॉय है और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे 1 से लेकर पूरे 9 महीने में एक बार भी वॉमिटिंग नहीं हुई है। तो मैं उन 20% महिलाओं में से हूँ जिनको वॉमिटिंग नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ था, मुझे प्रेगनेंसी के सेकेंड सेमेस्टर में मुझे खाने को देख के अजीब सा फील होता था लेकिन वॉमिटिंग कभी भी नहीं हुई। पूरे 1 से लेकर 9 महीने तक एक बार भी वॉमिटिंग जो है मुझे नहीं हुई। ठीक है, चलिए बात करते हैं उन लेडीज़ को जिनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करें और किस सिचुएशन में उनको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। पहले बात करते हैं कि हमको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग क्यों होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन होते हैं, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग तरह तरह के चेंजेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से हमको वॉमिटिंग होती है। तो आपने रीज़न तो जान लिया कि आपको वॉमिटिंग क्यों होती है। चलिए अब जानते हैं कि आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, घरेलू उपाय पहले, कि जिससे आपकी वॉमिटिंग जो है वो रुक जाए। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप सुबह सुबह खाली पेट नारियल पानी पीते हैं तो जिससे आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो थोड़ी रिलैक्स होगी। उसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान आपको खाली पेट का भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आपने खाली पेट पानी पी लिया तो उससे आपको और वॉमिटिंग जैसा फील होगा, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। उसके साथ ही आप प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो आपको ORX घोल पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आपने एक ही बार एक गिलास ORX घोल बनाया और पी लिया ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ORX घोल जो है कुछ इस तरीके से पीना है, जैसे आपको थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो आपने 1-2 चम्मच उसकी पी ली, आपको फिर थोड़ा टाइम बाद फिर से वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो आपने फिर से 1-2 चम्मच पी लिया। इसका पाउच भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है या फिर अगर आप चाहें तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। घर पे बनाने की विधि आप सबको पता होगी लेकिन नहीं पता है तो मैं फिर भी बता देती हूँ। तो आपको थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक लेना है और उसको पानी में बॉईल कर लेना है और फिर उसको ठंडा करने के बाद थोड़ा थोड़ा पीते रहना है जब आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो। या फिर जैसे कि मुझे कभी वॉमिटिंग जैसा फील होता था, मैं क्या करती थी, जैसे कि वॉमिटिंग जैसा फील होता है तब आपको अपने मुँह में एक इलायची या फिर एक लौंग जो है वो रख लेना और उसको धीरे धीरे चूसते रहना या फिर हल्का हल्का चबाते रहना, जिसकी वजह से आपकी वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। उसके अलावा आपको ये सब करने के बाद भी आपको वॉमिटिंग से राहत नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, दिन में बहुत बार आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग की मेडिसिन देख के भी वॉमिटिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, और चलिए अब बात करते हैं कि वॉमिटिंग से क्या लड़का एंड लड़की का कनेक्शन है। तो मेरे ख्याल से तो मैं कहूँगी नहीं या फिर हाँ भी। तो आप जैसे कि मैंने आपको पहला अपना केस बताया कि मुझे प्रेगनेंसी में 1 से 9 महीने कोई वॉमिटिंग नहीं हुई और मुझे बेबी बॉय हुआ, और एक मेरी सिस्टर है मेरी मौसी की बेटी, तो उसको प्रेगनेंसी में जब उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसको
बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी उसको पूरे 1 से लेकर 3 महीने यानी फर्स्ट सेमेस्टर में उसको वॉमिटिंग हुई और उनका उसका खाना पीना सब मुश्किल हो गया था। तो फाइनली उसको जो हुआ वो बेबी गर्ल हुई। तो ऐसा कह सकते हैं कि जिसको नहीं होता है उसको बॉय होगा, जिसको होता है उसको बेबी गर्ल होगी, भी कह सकते हैं ऐसा। अभी क्या है, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब कि मेरे को सिर्फ एक ही बेबी बॉय है। अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तब मैं अपनी बॉडी के सिम्टम्स से मैं अपने आप ही में कंपेयर कर सकती हूँ कि ये बात सही है क्या नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि वॉमिटिंग से जेंडर का कोई रिलेशन नहीं है और हो भी सकता है, ठीक है। पुराने ज़माने से कहते हैं कि वॉमिटिंग होती है तो लड़की होती है, नहीं होती है तो लड़का होता है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, ये बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डाल पाऊँ आप लोग पास एक नोटिफिकेशन जा पाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।